अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वाला बरकातहू। मेरा नाम शेख ज़बीर है और मैं गुलदार मार्केट निर्मल महल से रहता हूँ, यहाँ पर क्वार्टर्स में हूँ। ख़ास तौर पर ये मेरी बीवी, इनके जो हर्निया का मसला है, और इन्होंने गोल्डन जुबली में पहले मैडम थे और अब अपने कहना 3 साल से वो जॉब छोड़ दिए। अब इनसे कोई करना नहीं हो रहा, वजन उठाना नहीं हो रहा, चलना नहीं हो रहा, फिरना नहीं हो रहा साहब। ऐसा मेरे ने क्या है ना बोलते, 2-2.5 लाख रुपये चिल्लर खर्चा आ रहा, और उनका हरिया का क्या है ना बोलते, पूरी सर्जरी करना है, और वो जाली का खर्चा और ये ब्लड का खर्चा, रूम का खर्चा, और जो भी है गोलियाँ और ग्लूकोज और जो भी है अपने इंजेक्शन, और जो भी पूरे भारी भारी के आइटम देते हुए बोले मैडम, और पूरी सर्जरी पूरी ढीली हो गई, टाँके पूरे लूज हो गए, और उन्होंने सिवाय उन्होंने कुछ भी नहीं कर सकते, 15 दिन का चांस दिए। और ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भैया, मेरी बीवी के लिए मेरी औकात नहीं है मैं 2-2.5 लाख रुपए लगाने की। मैं इतनी भी परेशान हूँ ना, कोई पूछे जाना नहीं, पेंशन पे जीने वाला आदमी हूँ मैं, और 3,000 रुपये पेंशन आता हर महीना, और उसमें नहीं कि 2,000 रुपये क्या है ना किराया हो जाता, और ख़ास तौर पर ये करंट का बिल लेके वो 1,000-1,500 वैसा बटो वैसा डाले, वो भी 3,000 पर चल जाते, इन दोनों देने से गुजारा होता भैया मेरा। और खुसूसन के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अरबन, मैं इतने भी पैसे जमा नहीं कर सकता, मेरे औकात भी नहीं है। मैं भी एजुकेशन हूँ और डिग्री पढ़ा हूँ, इंटर पढ़ा हूँ, 10th क्लास पढ़ा हूँ, और मुझे भी ऐसे ऐसे आप जैसे लोग आते कि क्या साथ दिए तो मैं आगे यहाँ तक आया हूँ। फिर मैरिज हुआ, फिर बच्चे हुए, बच्चों के साथ साथ ये हालत के साथ साथ मैंने क्या ना कुछ कर नहीं सका, तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया। मेरे 2 हाथ ऐसे हैं, फिजिकली हैंडीकैप ऐसा है कि मेरा सर्टिफिकेट 90% है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और लिहाजा मैं इतना कंकर भी नहीं उठा सकता हूँ, इतनी मजबूरी है मेरी। और ये जो घर है ना, 2,000 का किराया है, अब ये मकानदार वाले भी निकल जाओ बोले, और ये घर भी टूटने का अंदाजा है। आजकल मैं कब टूटता नहीं मालूम, पहले घर खाली करो बोले।